एक महिला को आधी रात रोमांस के लिए अपने पति को उठाना इतना महंगा पड़ा कि अब वह अपने दिन व्हील चेयर में बिता रही है। दरअसल महिला इंटीमेंट की इच्छा के लिए अपने पति को नींद से जगा रही थी, लेकिन उसी दौरान वह बेड से गिर पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि बेड से गिरने के बाद भला अस्पताल कौन जाता है, लेकिन जनाब जब बुरे दिन होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उस महिला ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि पति को रोमांस के लिए जगाना उसे अस्पताल पहुंचा देगा। दरअसल बिस्तर से गिरने की वजह से महिला के शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया और तब से ही वह व्हील चेयर पर ही अपनी जिंदगी बिता रही है। ब्रिटेन की रहने वाली सोफी रॉजर्स के साथ हुए हादसे को 2 साल बीत चुके हैं और अब वह धीरे धीरे रिकवर कर रही है। सोफी को इस हादसे की वजह से 3 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। आपको बता दें कि उनकी गर्दन को सहारा देने के लिए डॉक्टरों को टाइटेनियम की छड़े फिट करनी पड़ी। आज सोफी रॉजर्स की हालत ऐसी है, वह अपने दिन का ज्यादातर समय बेड और व्हील चेयर पर गुजार रही है। अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हुए 44 वर्षीय सोफी रॉजर्स ने कहा, मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। सोफी ने आगे ये भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी आत्मा किसी ने दूसरे शरीर में डाल दी हो। सोफी ने बताया कि हादसे वाली रात वो अपने पति संग इंटीमेंट होना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड को जगाने के दौरान वह बेड से गिर गई। बेड से जमीन पर गिरने के बाद सोफी बेहोश हो गई और उनके शरीर के एक हिस्से को लकवा मार गया। सुबह जब पति की आंख खुली तो सोफी को जमीन पर बेसुध पाया, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। सोफी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी चोटिल हो गई है, इस वजह से सोफी का शरीर भी पैरालाइज हो गया है। फिलहाल सोफी अपने पति और परिवार की देखरेख में है, वह अपने शरीर के कुछ अंग का ही इस्तेमाल कर सकती है। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे दिल्ली।